नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को वेल्डिंग डिबी जो पैनल होती है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि वेल्डिंग डिबी क्यों आवश्यक होती है और किस प्रकार से इसका कंडक्शन होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपका वेल्डिंग डिबी है, जिसमें डबल डोर है और साथ ही साथ ये आउटडोर पैनल है। आउटडोर पैनल में सेट्स रहते हैं। देखिए, आपका ऊपर में ये सेट बना रहता है। मैं आगे दिखा रहा हूँ इसमें। देखिए, ये सेट बना हुआ है ताकि पानी से बचत हो सके। और चूंकि आउटडोर है इसलिए इसमें डबल डोर रहेगा। ठीक है, एक देखिए, एक डोर मैंने खोला, फिर सेकेंड डोर खोलने के बाद में मेरे को एमएसएसबी या जो भी इसमें इलेक्ट्रिक स्विच गया वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आपका मेन इनकमर है जो कि 160 एम्पेयर का मैंने यहाँ पे इनकमर लिया हुआ है ना। आपका सेंडेस का ये मेन इनकमर है। और इसके बाद ऊपर मैंने बस बार दिया है और ये न्यूट्रलिंग है, ब्लैक कलर को जो दिख रहा है इसका हम न्यूट्रलिंग कहते हैं। यहाँ पे आपका 4 पोल RCCB दिया हुआ है जो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे मैंने RCCB दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सॉकेट या प्लग सॉकेट दिया हुआ है वो 5 पिन है, जिसमें आपका 3 फेस रहता है, एक न्यूट्रल रहता है और एक अर्थिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो ये आपका ऑन करने का इसमें स्विच दिया हुआ है। ऊपर का ये जो बटन दिखा रहा है आपका ट्रिप, ये सभी ऑन का है। और ऊपर का जो येलो दिखा रहा है ये आपका ट्रिपिंग के लिए दिया है। ठीक है, तो नीचे भी आपका 4 पोल का RCCB है ये, और ये जो दिख रहा है आपका 2 पोल का RCCB है। और बाकी मैंने आपका 4 नंबर यहाँ पे MCB दिया हुआ है। ठीक है, सिंगल पोल का MCB दिया हुआ है, लाइटिंग के लिए हो सकता है या और कोई छोटी मोटी ज़रूरत हो तो उसके लिए मैंने आपका सिंगल पोल का MCB दिया हुआ है। इधर दोनों साइड आपका देखिए, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड मैंने सॉकेट या प्लग यहाँ पे दिया हुआ है ताकि वेल्डिंग या ग्राइंडिंग से रिलेटेड जो भी प्लग है इसको हम इसमें लगा सकें। यहाँ पे केबल के बारे में बात करूँ तो मैंने ब्लैक कलर का जो केबल दिया न्यूट्रल का है, आपका आर जो कलर है फेस का है, और जो नीला कलर जो दिख रहा है, नीला नहीं हरा, हरा जो दिख रहा है वो आपका न्यूट्रल का है, न्यूट्रल अर्थिंग का, सॉरी अर्थिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कलर कोडिंग किया जाता है। और ये जो पावर है RYB और न्यूट्रल मैंने यूज़ किया है, और अर्थिंग के लिए एक पॉइंट दिया रहता है जो कि हरा कलर का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, RYB तीनों फेस और ब्लैक कलर इसमें न्यूट्रल है। इस प्रकार से आपका वेल्डिंग सॉकेट पैनल का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग को और देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।